अब्दुल्ला यार तू इतना आतंकवादी कहाँ से गिर रही थी? अब्दुल्ला ने ये रैंच हमारे इस जगह पर ला के फेंका है, शुक्र करें मैं ज़्यादा चोट नहीं लगी। हुई गर्मी हुई 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी छोटी खाई है? रोटी छोटी खाई है? रोटी छोटी खाई है? इधर भी लाइट नहीं है, चाचू के कमरे में वो दादो के कमरे में भी लाइट नहीं है, किचन में भी लाइट नहीं है, है ना जी? तो जैसे कि जानते कि कल हमारी लाइट ख़राब हो गई थी तो अब्दुल्ला हुई लाइट ख़राब हो गई। ये क्या भाई डब्बे के ऊपर खड़ा हो गया तू? चलो जी बस, हाँ ये पाकिस्तान का झंडा तो उठा लें दो। जी तो रबड़ के अंदर हमने लगा के खड़ा कर दिया पत्थर। साया ए खुदा ए जुम सल्ला तर्जमाने माजी शाने रहबरे तरक्की अकबर। रिमोट हमने वीडियो बनाने के लिए लिया था, तो जैसे कि आप जाते हैं कि एंड्रॉयड का मोबाइल, ये हमने लेके आए थे रिमोट वीडियो बनाने के लिए। ये फोकस नहीं हो रहा, हाँ ये लेके आए थे जी वीडियो बनाने के लिए, और ये जैसे ख़राब हो गया था इसके अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे सेल भी डलवाया था तो वो काम नहीं कर रहा था, तो ये ख़राब हो गया। तो इंशाल्लाह नया जिस तरह भी हमारे पास आएगा तो वो लेंगे ज़रूर। और यहाँ पर अब्दुल्ला ने सारी चीज़ें बखेर दी हैं। ये दरअसल में टिकटॉक वगैरह में यूज़ होता है, भी आपने मोबाइल लगा दिया स्टैंड पर, उसको इस तरह दबाएँ तो वो वीडियो शुरू हो जाती है, और जब आप इसको इस तरह रोकेंगे तो वीडियो बंद हो जाएगी। वी हाथ में लग जाएगी, वही हो जाएगी। अब्दुल्ला क्या कर रहा है तू? ये क्या भाई, ये क्या भाई? और ये धन ये तो दिखाओ, ये पाकिस्तान का फ्लैग भी नीचे गिर रखा आपने, बुरी बात है ना। माशाल्लाह। चाचू का खाना दोबारा से आ गया, क्योंकि चाचू बीच में से काम करने लग गए थे, तो जिसकी वजह से चाचू अपना खाना नहीं खा पाए, अब दोबारा खाए। और जी यहाँ पर अब्दुल्ला ने अपना जो कूड़ा वगैरह है वो चीज़ें वगैरह वो इर्द गिर्द घेर दी हैं, तो अभी से हम कहते हैं कि क्लोज़ करें ये। अब्दुल्ला क्लोज़ करके रखो, इनको जमा करके सारी लादा रखो चीज़ों को। चलो शाबाश, ना गन फैलाइयो। और जी यहाँ पर मेरा ख्याल है शायद रिव्यू हो रहा है और उसमें गेंद लगी है। ओह माय गॉड, अब जी नट आउट शायद मोबाइल ने दिया। ये चीज़ें कहाँ पे डाल रहे हो? अब्दुल्ला वी लग जाएगी, चोट लग जाएगी, आपको मत करो। माशाल्लाह यहाँ पर जी पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जारी है, और यहाँ पर पता नहीं चौका लगा या कैच आउट, वो बच गए हैं रिजवान, बहुत बची हैं।
यहाँ पर पाकिस्तान का मैच शुरू हो गया और पाकिस्तान के अभी मैंने देखा ऑन करके तो शायद मेरे ख्याल 20 रन हो गए हैं और यहाँ पर अब्दुल्ला खेलने में मसरूफ़ है तो यहाँ पे आगे खाना शुरू करते हैं खाना। और जी यहाँ पर मोहम्मद रजवान आउट हो गए हैं और 14 रन बना के मोहम्मद रजवान आउट हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई है। ये आज इलेक्ट्रिशियन भाई बुलाए तो उन्होंने सेट की तो यहाँ से मसला था टायर का मेन का तो वो उन्होंने काटी वगैरह या कोई मेरा ख्याल चोर शोर लगाया जिसकी वजह से बिजली आ गई है। जी तो पाकिस्तान के जो स्कोर है वो 7। मैं शॉप पर आ गया था घर से क्योंकि भाई कह रहे थे कि आप 2 मिनट शॉप पर बैठो उसके और मैं आता हूँ तो मैं 7-7 रूम पे देखता हूँ कि कितना स्कोर हो गया। यहाँ पर जी 111 रन हो गया और पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो गए और हम इस वक्त शॉप पर हैं और आज गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से यानी कि हम दुकान के अंदर भी बैठे पंखा चलाते हैं और बैठते हैं जी अंदर और जो भी अपडेट मैच के मुताबिक होगी तो फिर आपको बताते हैं। और जी यहाँ पर पाकिस्तान ने श्रीलंका ने 122 पाकिस्तान ने 122 रन का टारगेट दिया श्रीलंका को और कह लें कि ये पाकिस्तानी टीम का आज का मैच इतना इंपोर्टेड कह लें था भी और नहीं भी लेकिन अगर यही चीज़ इसी तरह ये लेकर चलते हैं तो ये तो नुकसान दे फाइनल में भी तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब ये चीज़ें देखें कि क्या जॉनसन के ऊपर काम करें ताकि 2 दिनों के बाद इनका फाइनल है बल्कि 1 दिन का वक्त है अंदर परसों फाइनल है तो उसके अंदर ये देखेंगे कि कहाँ काम मेहनत करनी पड़ेगी जगह मेहनत करें और एक अच्छा फाइनल खेलें। इसमें कोई फ़ायदा नहीं अगर आपकी टीम अगर आगे जा के ज़्यादा रन बना लेती है उसके अंदर ज़्यादा अगर आप पहले अच्छा खेल रहे हो और एंड में फ़ाइनल में आगे गलत खेलने लग जाते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि आप हार जाएंगे तो आपकी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। इसलिए पाकिस्तानी टीम से गुजारिश है कि वो अच्छा खेल का मुजाहरा करें ताकि आवाम को ये जो एशिया कप की सूरत में खुशी दें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पर मैंने आज किसी टीम को सपोर्ट नहीं किया इसी वजह से पाकिस्तान की ये हालात हुए। अगर मैं किसी टीम को सपोर्ट कर दूँ तो वो टीम बेड़ा गर्क हो जाता उस टीम का और इंशाल्लाह आज के मैच में मैं सपोर्ट करूँगा श्रीलंका को क्योंकि इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि श्रीलंका हारे इंशाल्लाह हमारे बॉलर्स हैं वो अच्छे चलेंगे और आउट करेंगे। और जी घर आ गए हैं वापस और अब आके देखते हैं मैच और पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं 21 रन पर और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा की जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जरूर जीतेगा। 4 ओवर हो गए हैं और 23 रन हैं और यहाँ पर आउट हो गए हैं श्रीलंका के एक और खिलाड़ी हारिश रऊफ ने ये विकेट गिराई है और जी यहाँ पर श्रीलंका ने छक्का लगा दिया और 5 ओवरों में 30 रन हो चुके हैं श्रीलंका पे। पाकिस्तान को अपनी बैटिंग में थोड़ा सा बेहतरी लानी पड़ेगी और चीज़ें सीखें आज के मैच में देखें हमें कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा तो ये फाइनल में इनके लिए काम आएगा अच्छा रहेगा। क्या कर रहे हैं तुम और जी यहाँ पर एक ही गैप ने 2 दफ़ा शॉट मार दी है श्रीलंका के प्लेयर ने तो थोड़ी सी फील्ड को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर तेज़ी दिखा रही है श्रीलंका की टीम लेकिन जार हसन अली को इस्तेमाल करनी चाहिए हसन अली को ज़्यादा से ज़्यादा जार इस्तेमाल करनी चाहिए। चार 8 रन बन गए थी जगह पे इसके खड़ा बंदा नहीं खड़ा कर सके अच्छा भी नहीं लगाता आप ये यहाँ पे। और जी यहाँ पर चौके का साइन दे दिया एम्पायर ने। आज की जो मैच है पाकिस्तान की टीम की प्लानिंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं वो इसको खेलना शुरू हो गए हैं 5 ओवरों के बाद और यानी कि पाकिस्तान को नेक प्लेयर खिलाए हैं हसन अली और एक और लड़का नहीं है उसका नाम नहीं आ रहा मुझे तो ये नए लड़के खिलाए हैं तो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनकी कमजोरियाँ उसको बेहतर करना चाहिए। फाइनल में मौका नहीं मिलेगा इस मैच के बाद मौका है लेकिन फाइनल के बाद कोई मौका नहीं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये करना चाहिए फाइनल में कि बाबर आजम को नीचे खिलाएँ 2 नंबर पर कम से कम
मुझे यह तीसरे नंबर पर बाबर आजम को खिलाएं, फ़खर जमान और रिजवान से ओपनिंग करवाएं, और रिजवान से नहीं अगर कोई हिटर उससे अच्छा है तो उसे करवाएं ओपनिंग, ताकि आने वाले वक्तों में ये सही तरह खेल सके। फ़खर जमान को ये बताया जाए कि आपने 5 ओवरों में 50 करके देने हैं, दोनों से कहा जाए और इस तरह वो दोनों खेलें, खुल के खेलें। फ़खर जमान को थोड़े से और कह लें कि अच्छी इम्प्रूवमेंट लानी होगी अपने शाटों में, और जिस तरह वो खेलते हैं कोई डाउट नहीं कि वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन कभी कभार लूज विकेट कर जाते हैं। तो जी यहाँ पर 50 रन चाहिए 55 बल्लों पर, तो श्रीलंका की टीम ने तकरीबन रन मुकम्मल बना लिया, क्योंकि पहले पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा रन बनाना चाहिए था अगर उन्होंने ये मैच जीतना था, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की जो टीम है वो सही खेल रही है, अच्छी खेल रही है। 3 खिलाड़ी आउट हो गए, यहाँ पर एक ज़रूरत है विकेट की पाकिस्तान को, और नवाज बॉलिंग करा रहे हैं जी, तो कदीर नाम है इनका और सही रन दे रहे हैं जी। यहाँ पर श्रीलंका के खिलाड़ी ने छक्का लगा दिया, और वो लगाया भी, वो जो नया प्लेयर आया उसको बॉलिंग करा रहा है और धुलाई करा है। ये लेग स्पिनर अच्छा नहीं है, तो वैसे पता नहीं उसको क्या क्या लेंगे आप खिलाया। और ये यहाँ पर कदीर ने खिलाड़ी आउट कर दिया, और श्रीलंका के खिलाड़ी आउट हो गए हैं जिन्होंने शॉट लगाई छक्के के लिए, लेकिन कैच हो गए। और यहाँ पर जी 50 बॉलें हैं और 42 रन हैं जी। यहाँ पर रिव्यू तो नहीं है पाकिस्तान ने, लेकिन वो उन्होंने डिसीज़न पेंडिंग कर दिया था, उन्होंने चेक किया तो नॉट आउट है। 80 रन 4 खिलाड़ी आउट, 12वां ओवर, और अब्दुल्ला यहाँ पर अपनी गेंद के सक्के चाचू के पेट में मार दी। यहाँ पर अब्दुल्ला अपनी भी बोले है, और ये खेलेगा वो गई। और यहाँ पर जो पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान को मुश्किल का सामना है। 85 रन बड़ा माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये लो बॉल अपनी वो गई बाहर, बस बड़ी गाड़ी के पास चले गए वही आराम से। और जी यहाँ पर अपील तो की है, लेकिन नॉट आउट का अंपायर ने और बैट इन्वॉल्व है मेरे ख्याल में से, तो पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए रिव्यू। और जी यहाँ पर 50 हो गई है श्रीलंका के प्लेयर की तरफ से, ऐसे हो गई। अबे पागल हो गए क्या? मैं देता हूँ बोल देता हूँ, ये लो। वो गई बस। वाइड दे दी यहाँ पे जी, और फ्री हिट का क्या, नो बॉल। और जी यहाँ पर हादिस रोह को एक चौका और एक छक्का पड़ चुका है। किधर जा रहे हो आप? ये देखो ये गिरोगे, एडवेंचर करने की। फिर सोचूंगा जाकर छेड़ने लगे अब्दुल्ला आप। मत करो, वहां पर देखो फ्री हिट मिल गई है, नो बॉल करा दी है। लगाने की कोशिश तो की है शॉट, लेकिन लगे ही नहीं। तो मैं जी इस टाइम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसी वजह से दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा मैं इस वक्त किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मैच नहीं जीता। तो इंशाल्लाह मैं सपोर्ट कर रहा हूँ श्रीलंका को इस मैच में, और 30 बॉलों पे 19 रन चाहिए श्रीलंका को। देखता हूँ कि मेरी सपोर्ट में कितनी पावर है, जो मैं जिसको भी सपोर्ट करता हूँ वो हार जाता है। तो आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सपोर्ट करूँगा, शायद तो हार जाए श्रीलंका। असल ये आ गए हैं, और यहाँ पर छक्के, क्योंकि मैंने शुरू से मैच नहीं देखा,
तो शुरू से जो मेरी स्पोर्ट्स थी वो मैंने नहीं की, जिसकी वजह पाकिस्तान मुश्किल का शिकार है। और यहाँ पर एक ज़ोरदार शॉट मारी श्रीलंका के प्लेयर ने और वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द इस काम ख़त्म किया जाए। और जी यहाँ पर पाकिस्तान के मैच में एक रिव्यू लिया गया, जो कि कप्तान बाबर आजम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रिव्यू ले लिया गया, जिसके बाद बाबर आजम ये कहा कि कप्तान मैं हूँ। और यहाँ पर श्रीलंका के खिलाड़ी ने शॉट लगाई थी लेकिन वो मिस हो गई और 107 रन हो गए हैं। और श्रीलंका को जीत के लिए बस 4 ओवरों में तकरीबन कह लेंगे 18 रन चाहिए, 16 रन चाहिए 4 ओवरों में, तो ये तो आम सी बात है, 16 रन 4 ओवर। और जी कैमरा मैन भी बड़ी मीम्स बन रहे हैं और मैंने देखे थे कि मीम्स में कैमरा मैन एक मीम्स देखा, उसमें फिल्टर आगे पैरों में गिर जाता है कैमरा मैन के, और वो कैमरा मैन कहता है अबे तूने सारी लड़की बरल कर दी वो कहता है भाई हम भी खेल रहे हैं हमें भी ले ले, क्या लड़के की फ़ोटो बनाने आया हुआ यहाँ पर तू। और एक छक्का लगा दिया गया जी श्रीलंका के प्लेयर की तरफ से, तो कैमरा मैन आगे जवाब देता है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और जी टक्कर होते हुए बार बार बच के खिलाड़ी हसन अली और आसिफ की टक्कर होने लगी थी जी। नवाज़ ने यहाँ पर कैच छोड़ दिया। और जी यहाँ पर श्रीलंका को चाहिए 21 बॉलों पर 28 रन, ओ 28 बॉलों पर 8 रन, और यहाँ पर बचते हसन अली और आसिफ की टक्कर होते थे बचे हैं आपस में। फोर रन हो गए जी यहाँ पर, ये ख़तरे की घंटी है, अगर पाकिस्तान श्रीलंका से ये मैच हारता है तो आगे भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जी पाकिस्तान मैच हार गया है श्रीलंका से, और ये इससे बाद संडे को पाकिस्तान का फाइनल ऐसा है श्रीलंका के साथ, इसमें देखते हैं जी क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। जैसे कि आप जानते हैं इसी साल T20 वर्ल्ड कप भी है साल के आखिर में, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। और जी अब्दुल्ला यहाँ पर मसरूफ़ है, पेंसिल लेके उसके साथ कह लेंगे लाइनें मारने पर लगा हुआ है। यार अब्दुल्ला आप सारी ख़राब कर रहे हो। और जी अब्दुल्ला कह रहा है कि मेरे कमरे में जाना है, अब्दुल्ला कह रहा है जी इसने मेरे कमरे में जाना है, चलते हैं इसको ले कर। लगी चाचू की चोट लगी। हाँ जी बताओ अब क्या करना है आपने यहाँ पर, अंदर तो आ गए हम, अंदर तो आ गए हैं। अब्दुल्ला नहीं करो गिर जाओगे यहाँ से, दो मिनट ठहरो मैं खींच के देता हूँ आगे। वाह भाई वाह माशाल्लाह, गर्मी नहीं लग रही आपको, कूलर में पानी डाल लें। अब्दुल्ला ने जी ये होल्डर उठा दिया था, इसके अंदर बल्फ है तो इसको ऊपर से कवर करने से ये होता है कि इसकी रोशनी कम हो जाती है, तो अब्दुल्ला ने ये उठा लिया था और तोड़ने लगा था तो हमने इसे छीन लिया। और ये बल्ब अंदर इधर से ये इसको मैं इस कमरे में इसलिए लेके नहीं आता, ये देखें। और जी नहा के फ्रेश हो गए हैं और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मसूद को दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अपनी दुआओं में रखेगा ज़रूर याद। अल्लाह हाफ़िज़।